नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे सामने कुछ तो रेगुलेटर रखे हुए हैं और एक बोर्ड है, एक बल्ब है, एक होल्डर है। तो दोस्तों इसका हम करेंगे क्या, दोस्तों आज हम इसके माध्यम से आपको रेगुलेटर चेक करना सिखाएंगे। आप सीलिंग फैन का रेगुलेटर भी चेक कर सकते हैं, आप कूलर का भी रेगुलेटर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम चेक करके बताएंगे कि रेगुलेटर जो ख़राब रेगुलेटर होता है अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको चेक करें कि रेगुलेटर ख़राब हुआ है या मोटर में प्रॉब्लम है। दोस्तों अक्सर रेगुलेटर हम फेंक देते हैं जिसकी वजह से दोस्तों हमें नया रेगुलेटर खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों हम रेगुलेटर चेक करना आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और जो भी जानकारी आपको बताई जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सिंपली दोस्तों हमें करना क्या है, एक तो बोर्ड लेना है, एक 100 वाट का ये बल्ब लेना है और एक रेगुलेटर लेना है। और दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों हमें एक रेगुलेटर है दोस्तों, जैसे इस टाइप का रेगुलेटर है, कैसा भी रेगुलेटर आप ले सकते हैं। हम इस टाइप का रेगुलेटर ले रहे हैं, आप किसी में से मतलब कोई सा भी रेगुलेटर आप इसमें चेक करने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों हम रेगुलेटर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों रेगुलेटर को बाहर निकालने के बाद हमें दोस्तों सिंपली करना क्या है, हमें दोस्तों जो होल्डर है इसके दोनों वायरों में से दोस्तों एक वायर हमें एक रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सिंपली नीले कलर का वायर इस वायर के साथ टच कर दिया। दोस्तों अब हमारे पास दो वायर बचे हैं, एक तो ये वाला वायर बचा है और एक ये वाला वायर बचा है। तो दोनों को दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, पहले तो इसे हम ऑफ कर लेते हैं, ऑफ है दोस्तों। तो इसको दोस्तों दोनों वायरों को हम बोर्ड के अंदर लगा देते हैं, फिर दोस्तों हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि वाकई ये सही है या नहीं है। लोग दोस्तों इसके लिए हमें इस जो ये बल्ब है इसको हम होल्डर में लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जैसे आपको बताया था एक वायर इसके साथ हमने टच कर दिया है, जो एक वायर जो इसका होल्डर का बचा था वो लगा दिया, एक रेगुलेटर का तार लगा दिया। बल्ब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हमने बल्ब लगा दिया है। तो दोस्तों इसको हम चेक करना हम बता देते हैं। आप धीरे धीरे दोस्तों हमें क्या करना है, इसको हमें खोलना है। आप देख सकते हैं दोस्तों बल्ब जल रहा है, धीरे धीरे हम इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, जैसे कूलर की स्पीड बढ़ाते हैं। आप इस तरीके दोस्तों सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बल्ब की जो है स्पीड बढ़ चुकी है, मतलब कि उजाला तेज गति से हो रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से रेगुलेटर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो खराब रेगुलेटर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट में दोस्तों मेरे पास खराब रेगुलेटर है नहीं, मैं आपको चेक करके दिखा देता। दोस्तों मेरे पास नया रेगुलेटर है इसलिए हम चेक करके दिखा रहे हैं कि वाकई रेगुलेटर सही है या खराब है। तो दोस्तों जो भी अगर आप घर पे जो भी इंस्ट्रूमेंट करें या जो भी दोस्तों आप काम में ले या जो भी दोस्तों आप करना चाहें तो दोस्तों सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई और छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।